बताएं और कहाँ पे हैं आप? मेरा नाम आरती मिश्रा है, मैं अयोध्या से हूँ। मैडम, क्या यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या सोचती हैं कि यहाँ राम मंदिर मस्जिद के अलावा जो है बच्चों के खेलने का स्थान और हॉस्पिटल भी जैसा कुछ बन जाए? हाँ, अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में सारी चीज़ें फैसिलिटी रहेगी तो मतलब विकास भी होगा, फिर अच्छा भी लगेगा। मतलब सारी स्टेट में है, सब जगह बन रहा है, तो यहाँ पे भी खेल का मैदान और हॉस्पिटल, ये सब तो चीज़ होनी ही चाहिए। वैसे होनी तो चाहिए, लेकिन बन जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या सोचती हैं आपकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण करा सकते हैं? हाँ, अवश्य लगता है कि मुझे वो बनवाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब इतनी बातें हो रही हैं और इतना काम शुरू हो गया है, जब अच्छे अच्छे शिलालेख बन रहा है तो उसका भी निर्माण हो ही जाएगा। अच्छा, अगर राम मंदिर बनता है तो क्या असर पड़ेगा इसका बीजेपी के वोट बैंक पर? अगर राम मंदिर बन जाएगा, वही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर वो बन जाएगा तो उनका वोट बैंक तो वैसे ही अच्छा चल रहा है, वैसे और भी अच्छा चलेगा और उन्हीं का ही शासन रहेगा। क्या राम मंदिर बन जाने से यहाँ जो है इस एरिया का विकास होगा? हाँ, अगर राम मंदिर बन जाएगा तो यहाँ का एरिया का विकास होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे पर्यटक आएंगे दूर दूर से, तो फिर यहाँ के लोग भी डेवलपमेंट ही होंगे और सामग्री वगैरह बिकती रहेगी तो अच्छा खासा। और कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मस्जिद के अलावा जो है यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड और हॉस्पिटल भी बन जाए? जी, बनना चाहिए। क्या आप पूरी बात बताएं? मतलब राम वो बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड और हॉस्पिटल और मतलब राम मंदिर के बारे में भी हम समर्थन करना चाहेंगे अपना। अरे, क्या लगता है आपको कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण करा सकते हैं? या लगता है, क्या मतलब लगता है कि क्योंकि मतलब आज कई साल से मतलब सत्ता में तो बहुत सी सरकारें थी, लेकिन कभी इस पे चर्चा नहीं हुई कोई, मतलब भाजपा गवर्नमेंट ही ऐसी है जो मतलब चर्चा कर रही है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन छिटपुट चर्चाएं चल रही है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। क्या अगर राम मंदिर का यहाँ निर्माण होता है तो बीजेपी के वोट बैंक का क्या असर पड़ेगा? इससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलेगा भी, और हो सकता है फिर उनकी बहुमत से ही सरकार बने। आप क्या सोचती हैं कि अगर यहाँ राम मंदिर बन जाता है अयोध्या में तो क्या यहाँ का बिजनेस और ये यहाँ का एरिया का विकास होगा? अवश्य होगा, पूरी तरह से होगा। क्या पूरी तरह से? मतलब यहाँ राम मंदिर बन जाएगा तो यहाँ की जो है सोसाइटी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, और यहाँ पर्यटक भी मतलब और देशों से आएंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद फजलुद्दीन मसूदी है, मैं यहीं फैजाबाद हसनुगटरा का रहने वाला हूँ। क्या लगता है आपको कि वहाँ विवादित स्थल पे, क्या सोचते हैं आपकी, वहाँ राम मंदिर था कभी? राम मंदिर के बारे में कोई साक्ष्य है नहीं, और बहुत से लोग बताते हैं यहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कुछ लोग बताते हैं आगरा में हुआ, कुछ कहाँ बताते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद थी इसका साक्ष्य है, इसका पूरा प्रमाण है, सबूत है, और बाबरी मस्जिद के ही हक में फैसला होना चाहिए, इसके लिए हम लोग जो है उम्मीदवार हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ था कुछ? देखिए, हमारे यहाँ कभी भी मस्जिद का निर्माण जो होता है, पहले ज़मीन खरीदी जाती है, फिर उसको वक्फ किया जाता है अल्लाह ताला के नाम पर, और उस जगह पर मस्जिद बनती है। नाजायज़ ज़मीन पर, सड़क के किनारे किसी की ज़मीन को कब्ज़ा करके अवैध ज़मीन के ऊपर ना मस्जिद का निर्माण हो सकता है और ना कभी उसमें नमाज हो सकती है। वो जब भी बनी होगी, वो ज़मीन खरीदी गई होगी, मस्जिद बनी होगी, और उसके बाद में उस मस्जिद में पूरी तरह से धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा होगा, नमाज होती रही होगी। हाँ, कब उसको विवादित बनाया गया है इसके बारे में नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज़ और सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का निर्माण आप क्या चाहते हैं, वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो? मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण तो कोई सवाल ही नहीं, न किसी मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण हो सकता है। जो मस्जिद की जगह है वहाँ मस्जिद होना चाहिए, जो मंदिर की जगह है वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। यही सवाल एक बार फिर आपसे कि आप क्या चाहते हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण हो? जहाँ मस्जिद थी हम चाहते हैं वहाँ मस्जिद बने, और अयोध्या, क्योंकि वहाँ धार्मिक
लोग रहते हैं और मंदिर बहुत सी हैं। अगर वो चाहें कहीं भी मंदिर बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था के मौलिक अधिकार है कि वो अपनी आस्था अपने मजहबी इबादत खाने में जा करके अपनी इबादत करें, पूजा पाठ करें। फिर से आप अपना नाम बताइए। हैं? नाम बताइए आप अपना। विभाकर सनाढ्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये रानोपाली के। अयोध्या। ठीक है, ये बगल में घर है। ठीक है। हाँ बाबू जी, क्या लगता है आपको, जहाँ जो राम मंदिर है, मस्जिद है, जो भी राम मंदिर मस्जिद के अलावा, वहाँ पर क्या बच्चों के लिए खेल का मैदान, अस्पताल, ये सभी बनना चाहिए? वैसे जहाँ तक करोड़ों की आस्था का प्रश्न है, तो खेल का मैदान तो हर विद्यालय में है और जगह भी है, लेकिन आस्था का जहाँ तक प्रश्न है कि जो पहले राम जन्मभूमि थी, उसके बाद आततायियों ने इसको तोड़ दिया, उसी के ऊपर मंदिर का वो मस्जिद का निर्माण कराया, तो करोड़ों की आस्था इसी में है कि ये श्री राम जन्मभूमि ही बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं? भाई वैसे तो ये माननीय उच्च न्यायालय में है, अब इसके बारे में अगर संविधान का सम्मान करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इसको पास करके बना सकते हैं, जैसे SC ST एक्ट बना दिया और ये तीन तलाक पे इन्होंने कर दिया, तो इस आधार पे ये चाहें तो बना सकते हैं। क्या BJP अगर राम मंदिर का निर्माण कराती है तो क्या BJP के वोट बैंक का असर पर पड़ेगा? बैंक वोट का तो असर जहाँ तक है, ये कई साल से चल रहा है, दुकानें जो इनकी चल रही हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर मंदिर बन जाता है तो लोगों की आस्था जो है थोड़ा भी विश्वसनीय हो जाता है। और ये कहिए, वोट की राजनीति में तो जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ भी इनको वोट मिल रहा है। एक आखिरी सवाल के बहू जी, क्या अगर यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होता है तो क्या इस एरिया का विकास होगा? इसमें दो राय नहीं है कि इसमें लोग जो आस्था रखते हैं वो जहाँ पे आएंगे दर्शन करेंगे, अयोध्या का विकास हो ही रहा है, इसमें दो राय नहीं। और यहाँ जो सन्नाटा सूनापन अन्य त्योज में रहा है वो समाप्त हो जाएगा। रहने वाले मेरा नाम मोहम्मद वाहिद खान है, अब्बू सराय शहादतगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो अयोध्या में जो विवादित जगह है, आप क्या सोचते हैं कि वहाँ विवादित स्थल पे राम मंदिर था? भाई जो हमने देखा अपने होशो हवास में, जब से हम यहाँ, यहीं के पैदाइश है हमारी, हम अयोध्या कई मरतबा जा चुके हैं, देखा वहाँ बाबरी मस्जिद थी, मंदिर तो हमने नहीं देखा। क्या हुआ था वहाँ, कैसे मस्जिद का निर्माण कैसे हो गया वहाँ? मस्जिद का निर्माण तो बहुत पहले बाबर के ज़माने से है या उसके पहले से है, ये तो हम तो नहीं बता सकते। बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि क्या वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो? हम ये चाहते हैं कि दोनों फरीक बैठकर आपस में समझौता कर लें। एक चीज़ और, आप क्या चाहते हैं कि क्या वहाँ दोबारा बाबरी मस्जिद का निर्माण हो? देखिए ऐसा है, मस्जिद जहाँ पे बनती है वहाँ पे दूसरी चीज़ बनना नहीं चाहिए। मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पे रहने देना चाहिए। अगर जहाँ पे, जैसा कि हमने सुना है कि सीता जी की रसोईया भी थी, हमने तो नहीं देखा है कि बाबरी मस्जिद तक हमने जानते हैं, क्योंकि हमारी बुआ का मकान वहाँ पे है, हमारा आना जाना था, हमने देखा है लेकिन अंदर जाके नहीं देखा वहाँ। लिहाजा दोनों फरीक वहाँ पे, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, अगर वहाँ सीता जी की रसोईया है या थी, तो वही हिसाब से वहाँ पे अपना समझौता करके उसमें उधर वो बनवा लें, इधर बाबरी मस्जिद बना दें, उधर मंदिर बनवा दें। रहने वाले क्या नाम है? मेरा नाम लखन निषाद है, मैं मोहल्ला रितिया निषाद नगर का रहने वाला। आप क्या सोचते हैं कि उस विवादित स्थल पर राम मंदिर थी? जी बिल्कुल, विवादित स्थल पर राम मंदिर ही था, लेकिन बाबर ने उसे ज़बरदस्ती अपने शासनकाल में अपनी बेगम को खुश रखने के लिए वहाँ पे
हम लोग को जो इतिहास में बताया गया है कि वो अपने अपनी बेगम को कुछ बीमारी में थी, कुछ पात्र ऐसे थे जो उसमें उन्होंने पंडितों से पूछा गया कि आप अगर अपनी पत्नी को ठीक रखेंगे, ठीक रहना चाहते हैं तो वो वहाँ पे मंदिर को हटा के बाबरी मस्जिद बनाया जाए। तो क्या हुआ होगा वहाँ, वो मस्जिद कैसे बनी? मस्जिद अब उन हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करके काफ़ी इतिहास काफ़ी बताते हैं हमें लोगों को जो बताया गया हमारे पूर्वज लोग इतिहास उसमें हिंदुओं पे अत्याचार करके उनके अब जो है उन्होंने बनाया उन्होंने। क्या चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो? बिल्कुल 110% होना चाहिए, 110% वहाँ पे मंदिर निर्माण होना चाहिए। क्या चाहते हैं कि वहाँ दोबारा मस्जिद का भी निर्माण हो? जीवन में भी नहीं, कभी नहीं, उसको मस्जिद था ही नहीं जो वहाँ पे निर्माण हो। सर आपका नाम क्या है और कहाँ पे है? जी मेरा नाम अरविंद नारायण पांडे है, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ। एक सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, जी दीपोत्सव आपको कैसा लगा, क्या सोचते हैं? जी दीपोत्सव का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और इसका अयोध्या वासियों पे बहुत अच्छा ही असर पड़ा, क्योंकि ये है कि ये 14 वर्ष के वनवास के बाद रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, जिसका हमारे उसमें पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अब ये कई गवर्नमेंटें आई गई लेकिन आज तक अयोध्या का विकास या अयोध्या को लेकर कोई चर्चा किसी ने किया नहीं, तो आयोगी जी ने कम से कम इतना मुखरित होकर अयोध्या आए और प्रोग्राम बना के और इतना मतलब विस्तृत रूप में प्रोग्राम किया, जिसका क्या विचार है? योगी जी एक बहुत अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जो इन्होंने हिंदुत्व को प्रेरणा प्रदान की है उससे जो है हमारे एक देश में प्रदेश में क्या देश में जो लहर जगी है राम मंदिर को लेके, वो काफ़ी ही मतलब आगे कुछ ना कुछ परिणाम जरूर इसका सामने जल्द ही आएगा। जो 92 में हुआ जो डेमोलिशन हुआ जी, आप उसका सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन चूँकि मामला किसका पूरा बताइए जी, जिस तरीके से 92 में मंदिर को एवालिश किया गया था वो एवालिशन का तरीका गलत था थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये सोच रहे हैं कि सामंजस्य से किसी तरीके से अगर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा सुलझ जाए तो वो सबसे अच्छा है। जो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि वो लोग कम्युनल हो गए? कम्युनल हो गए? कम्युनल जी, अच्छा कम्युनल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक अपना स्टंट कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जो राम मंदिर की बात करना है क्या वो कम्युनल होना है? नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं हो, उसमें सब देखिए हर अपने जात बिरादरी का अपना अपना आस्था है, अपनी अपनी श्रद्धा है और अपने अपने बिरादरी के लोग अपने अपने श्रद्धेय को जरूर मानते हैं, तो हम लोगों में हिंदू समाज में उसमें श्री राम और सीता जी की जो भक्ति और वो सब मिलता है श्रद्धा वो अलग चीज़ है। जी क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वहाँ बने? देखिए राम मंदिर तो वहाँ पौराणिक रूप से था, वो कोर्ट भी सिद्ध कर रहा है, यहाँ की जनता भी सिद्ध कर रही है, जितने भी रिटर्न वो मिल रहे हैं प्रूफ वो सारी चीज़ों से ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ राम मंदिर ऑलरेडी था, तो अब उसके लिए विवाद करना वो बहुत उपयुक्त नहीं मालूम होता है। कोर्ट ने भी माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उसको ज़मीन को बंटवारे को करके, अब ये तो एक सामंजस्य का तरीका है कि हम ज़मीन को दे दें और मस्जिद भी बना दी जाए, वैसे ये है कि मंदिर से दूर ही मस्जिद को रखा जाए चूँकि एक बिरादरी के लोग आपस में ना उलझने पाए। नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव, मैं अयोध्या फैजाबाद का निवासी हूँ। क्या लगता है कि आपको वहाँ विवादित स्थल पे राम मंदिर था? यस अफकोर्स था, पुरातत्व विभाग ने जो भी खुदाई की है उसमें भी निकला है, भारत सरकार द्वारा की गई थी कि पहले मंदिर ही था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई बाबा द्वारा, और डेफिनेट वो मंदिर ही था, हाँ मंदिर बनना ही चाहिए। क्या हुआ था वहाँ, कैसे वो मस्जिद? इस बारे में मैं आपको इसलिए नॉलेज दे सकता कि उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, हमारे बाप हमारे जो बुजुर्गों ने हम लोग को बताया वही हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना डेफिनेट था कि वहाँ मंदिर ही थी। आप क्या चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो? यस अफकोर्स मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। और क्या चाहते हैं, बाबरी मस्जिद का भी वहाँ निर्माण हो? कतई नहीं, बाबरी मस्जिद का निर्माण वहाँ क्यों होगा जब बाबरी मस्जिद थी ही नहीं वहाँ पर।
जब बाबर चले गए तो मस्जिद कैसी, बाबर जब अस्थि बनवाए थे तो वहाँ पे मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। पहले नाम बताएं और कहाँ पे हैं आप? नाम मेरा सुमित बर्मन है, मैं सरकारी सेवा में हूँ। यहाँ पर कहाँ पर? ये रानोपाली में मेरा घर है जी। अगर यहाँ पे राम मंदिर मस्जिद के अलावा क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल, बच्चों खेलने के स्थान, ये सभी बनना चाहिए? देखिए, हर समाज में हर चीज़ की ज़रूरत है, अस्पताल की भी ज़रूरत है, वो शिक्षण संस्थाओं की भी ज़रूरत है, लेकिन वो जो स्थल है उस पर केवल मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था है कि वहाँ भगवान राम का मंदिर था, भगवान राम पैदा हुए, इसलिए वहाँ मंदिर बनना चाहिए। और जगहों पर अस्पताल बने और जगहों पर विद्यालय बने, उसमें कोई इतराज नहीं, वो तो अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा सकते थे, लेकिन इनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, अध्यादेश ये पास नहीं करा पाएंगे, और क्योंकि न्यायालय में है मामला, इसलिए ये कुछ कर पाएंगे ऐसा मुश्किल लगता है। आप क्या सोचते हैं कि राम मंदिर अगर बनता है तो इसका असर बीजेपी के वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा? अगर बीजेपी अपने तरफ से कुछ कर पाती है तब तो उनके लिए पॉजिटिव असर रहेगा, लेकिन अगर न्यायपालिका से कोई फैसला आता है तो बहुत अच्छा कोई अंतर पड़ेगा ऐसा मुश्किल लगता है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं राम मंदिर अगर यहाँ बनता है, इम्प्रूव होता है, तो क्या इस एरिया का विकास, बिजनेस, ये सब बढ़ेगा? यहाँ राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या तो चमन हो जाएगा, अयोध्या में बहुत टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, अयोध्या का डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई संशय नहीं। रत्नेश कुमार पाठक है, मैं अयोध्या फैजाबाद का निवासी हूँ। और आप बताइए कि क्या वहाँ पर विवादित स्थल पर क्या लगता है कि राम मंदिर था? हाँ, राम मंदिर था। ये समय का परिवर्तन है, जब पहले रामचंद्र जी का यहाँ आए थे तब राम मंदिर था, उसके बाद बाबर ने आक्रमण किया, उसके आधे पर से कटवा करके उसके ढांचे को मस्जिद के रूप में बनवाया। तो ये जिस तरह से वर्चस्व आदमी का रहता है उस हिसाब से वो अपनी व्यवस्था को कार्य करता रहता है, और आज भी मंदिर था, उसको खुदा करके गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया है ना, और ये स्थितियाँ। क्या हुआ था वहाँ, कैसे मस्जिद बनी वो मस्जिद? अब ये बाबर के समय का कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हो तो उससे वही बता सकता है, बाकी हम लोग तो जो हम लोगों के बुजुर्गों ने बताया, जो हम लोग जानते हैं वही जानते हैं। आप क्या चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो? भाई, जो चीज़ें पहले थी, बाबर चले गए, बाबर मर गए, तो यथा स्थित फिर हो जानी चाहिए। क्या चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का भी वहाँ निर्माण हो? बाबरी मस्जिद थी ही नहीं तो निर्माण क्यों हो? नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अली है, मैं नियावा मछली मंडी चौराहे का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि जो विवादित स्थल है अयोध्या में, क्या लगता है आपको वहाँ राम मंदिर था? हमने बरसों से यही सुनते चले आ रहे हैं कि वो वहाँ पे मस्जिद थी, और वो मस्जिद की ज़मीन है और मस्जिद ही रहेगी, और इंशाल्लाह कोर्ट का फैसला जो आएगा वो हमारे हक में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, वहाँ क्या हुआ था, कैसे वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ, कुछ बताएं आपको? हम जहाँ तक ये जानते हैं कि जो है ईशा के बाद जो है वहाँ पे मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी गई थी। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये कि वहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ जानकारी है आपको? मस्जिद का निर्माण 1558 में हुआ था वहाँ पे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर बने? हम मुसलमान हैं, हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। एक सवाल और कि आप दूसरा सवाल भी है कि आप चाहते हैं कि दोबारा बाबरी मस्जिद का वहाँ निर्माण हो? जी बेशक, वहाँ पे दोबारा मस्जिद का निर्माण होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। पहले तो आप अपना नाम बताएं। वेद प्रकाश तिवारी, अयोध्या से। ठीक है, हाँ जी, ये बताइए कि जो 92 में जो हुआ, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, 92 का मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, वहाँ राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर होना चाहिए, और इस तरह से बाबर, मुगल, ये सब हमारी सभ्यता नहीं है। धार्मिक नगरी आप अयोध्या में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जन्मभूमि है, और बिल्कुल होनी चाहिए, वहाँ पर राम मंदिर था, रहेगा और है। दूसरा सवाल,
जो दीपावली जिस तरीके से मनाई गई दिव्य दीपोत्सव योगी सरकार ने, कैसा आपने महसूस किया? दिव्य दीपोत्सव जो भी योगी जी ने मनाया वो हमारे 125 करोड़ लोगों को बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार इस तरह से हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक अयोध्या में जो भी जन्मोत्सव हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों को बहुत खुशी इसके लिए। योगी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? योगी जी एक फैक्ट मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पास पूरा टाइम है, उनकी लेबरशिप बहुत अच्छी है और पूरा समझ बूझ के ही काम कर रहे हैं जो भी है। आप उन लोगों को क्या कहते हैं कि जो लोग राम मंदिर की बात करते हैं, क्या वो लोग कम्युनल हैं? राम मंदिर की बात करना कम्युनल कहीं से भी नहीं है। कम्युनल वो बात होती है जो विशेष जातिगत समूह के लिए किया जाता है। राम मंदिर इस भारत हिंदुस्तान आर्यावर्त की पहचान है और होना चाहिए। राम मंदिर की बात करना बिल्कुल कम्युनल नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर और मस्जिद दोनों बने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्जिद का कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए अयोध्या में, तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी जगह कहीं आम सहमत से होती है तो होना चाहिए। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना गया है, वो जाना जाना चाहिए। नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विक्रांत मिश्रा है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। अरे, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अलावा आप क्या चाहते हैं कि यहाँ जो है हॉस्पिटल, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, ये सभी बने? हाँ, ये तो ज़रूरी है कि यहाँ हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज भी हो, मतलब ये सब तो सुविधाएं होनी भी चाहिए। साथ साथ यहाँ अयोध्या में राम भगवान का मंदिर भी बनना चाहिए। अरे, क्या कभी जो है किसी मीडिया वाले ने आपको इस मुद्दे पे जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की है? जी, मैं साकेत में डिबेट चल रहा था बीजेपी का, तो वहाँ ये मुद्दा उठा था चुनाव के पहले, ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पहले हम डिबेट कर चुके हैं। कभी आपको इस मुद्दे पे जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश? जी, बोले थे। व्हाट डू यू थिंक, सॉरी, प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? बनाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो 2019 में वो फिर अपना सरकार बना ले जाएंगे केंद्र में, अन्यथा जब नहीं बना सकते वो। अगर राम मंदिर का निर्माण होता है तो क्या बीजेपी के वोट बैंक पे इसका असर पड़ेगा? अगर राम मंदिर का निर्माण होता है तो बीजेपी फिर से अपना सरकार बना लेगी केंद्र में भी और प्रदेश में भी। राम मंदिर अगर बनता है, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर अगर बनेगा तो क्या यहाँ का एरिया का विकास है? राम मंदिर बनने के कारण अयोध्या का विकास ना हो, ना ही पूरे विश्व का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये एक मुद्दा बना लिए हैं जिसे कि विकास को छोड़ के सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा बना लिए हैं। और जब ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा तो फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ विकास को लेकर चलेंगी, जिससे पूरे देश का विकास होगा। आपका नाम क्या है? सोनू सिंह। कहाँ से आप? अयोध्या से। एक चीज़ ये बताइए कि पिछले दिनों जो अभी योगी सरकार यानी आने के बाद जो दीपोत्सव मनाया गया, कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, दीपोत्सव जो मनाया गया वो बहुत ही अच्छा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है अयोध्या के लिए, जो कि अन्य सरकारों में नहीं हुआ ऐसा। और ये अयोध्या मंदिर पूरे विश्व में सब लोग इसको जानते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। योगी जी को लेके आपके विचार क्या हैं? योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी तक जो भी कार्य उन्होंने किया है बहुत अच्छे ढंग से किया है। हमें विश्वास है कि आगे भी इसी तरीके से अच्छा कार्य करते रहेंगे। एक चीज़ और, जो 92 में जो डेमोलिशन हुआ, 92 में जो विध्वंस हुआ था जी, आप क्या सपोर्ट करते हैं इसका? सपोर्ट का मतलब ये है, राम जी की जन्मभूमि है अयोध्या और यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ प्रभु का जन्म हुआ था और यहाँ पे मंदिर बने। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जो लोग राम मंदिर की बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या वो लोग कम्युनल हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो चाहते हैं कि राम मंदिर बनने के लिए, सब लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने यहाँ। एक अंतिम सवाल,
क्या ये भी चाहते हैं आप कि राम मंदिर भी बन जाए, मस्जिद भी बन जाए? मस्जिद देखिए, धर्म सब लोगों का धर्म है, सबका अलग अलग अपना अपना सिस्टम है ईश्वर को पूजने का, जो भी अल्लाह है या भगवान है। मस्जिद बने लेकिन उसको कहीं अलग जगह पे बना दी जाए मस्जिद, और मंदिर जहाँ भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। बाकी मस्जिद की बात रही तो उसको कहीं ये अलग भी बना सकते हैं। नाम क्या है और कहाँ पर है? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह, मैं जिला अयोध्या से बोल रहा हूँ। ये बताइए कि अयोध्या में पिछले दिनों जो दीपावली मनाई गई जी, कैसा महसूस किया आपने? सर बहुत ही अच्छा कदम उठाया है योगी सरकार ने, और हिंदू धर्म में जो एक आस्था का केंद्र है अयोध्या, यहाँ पे सभी हिंदू भाइयों में उत्सव देखा गया और बहुत ही सराहनीय कार्य योगी जी के द्वारा। जो हम लोग योगी मोदी सरकार बनने के बाद से सोच रहे थे कि शायद कभी ऐसा समय आएगा, तो योगी जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी को लेके आपके विचार क्या है? योगी जी जैसा कि लोग मानते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो धर्म के लिए बोलते हैं, अपने हिंदू धर्म पे बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। जैसे अपनी धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। बानबे में जो हुआ जी अयोध्या में, आप जी उसका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, 92 में कार सेवकों ने जो किया अपने धर्म के लिए किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अन्यथा आज राम जी कहीं होते और वहाँ बाबरी मस्जिद बन गई होती। अच्छे तौर के जो लोग राम मंदिर की बात करते हैं, क्या वो लोग सांप्रदायिक हैं, क्या वो कम्युनल है? नहीं नहीं, वो अपने धर्म के लिए बात करते हैं। मुस्लिम लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू लोग राम जन्मभूमि पर राम जी की बात करते हैं, उसमें कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। क्या सोचते हैं आप कि वहाँ राम मंदिर और मस्जिद दोनों बन जाए? नहीं नहीं, वहाँ जहाँ राम जन्मभूमि है वहाँ राम का मंदिर बनना चाहिए। हाँ रही मुस्लिम भाइयों की बात, तो वो जैसे उनकी जो है मस्जिद वो नदी के उस पार भी बन सकती है, ज़मीन खाली है, उसको सरकार मुहैया कराए ज़मीन जी। हम क्या करें?